बात अब सूरत की। सूरत के एक इलाके में सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। मजदूरों का आरोप है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद से उन्हें वैसे ही बहुत कम काम मिल रहा है और जो काम मिल भी रहे हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाने की कोशिश की लेकिन मजदूर सड़क पर से हटने को तैयार नहीं हुए। विदेशों की तरह पहली बार अब भारत में भी कोरोना के संदिग्ध मरीज टेस्ट करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और इस बुकिंग के बाद तय जगह पर जाकर कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकता है। संदिग्ध अगर कार से जांच के लिए गया है तो कार में ही उसकी पूरी जांच की जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट जो है वो ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोरोना से बचाव के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने इलाकों को अलग अलग जोन में बांटा हुआ है। वहीं लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए घर घर इन जरूरी चीजों की डिलीवरी कराई जा रही है। साथ ही इलाके के हिसाब से अलग अलग रंग के पास देकर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम भी किया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में मुस्तकीम नाम के लड़के ने घर पर ही सैनिटाइजर मशीन बना दी। मुस्तकीम का दावा है कि ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और इसके नीचे से गुजरने वाले हर शख्स को 3 सेकंड के अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। मुस्तकीम ने एक गेटनुमा ढांचा ये बनाया जिसमें 24 वाट की 3 मोटर लगाई, उसके बाद फव्वारा लगाकर उसे 20 लीटर के पानी के टैंक से जोड़ा। मशीन बनाने वाले मुस्तकीम के मुताबिक मशीन उसकी लागत कीमत में ही लोगों तक पहुँचाई जाएगी। यूपी के हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने एक मदरसे में पिछले 15 दिनों से क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की मेडिकल जांच नहीं करवाई। ये मामला तब सामने आया जब लखनऊ मंडल के कमिश्नर क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे। क्वारंटीन किए गए लोगों के कोरोना का टेस्ट नहीं करवाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द उनका टेस्ट कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सरसरी तौर पर जांच की गई थी कि सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि इनके सैंपल टेस्टिंग कोरोना से रिलेटेड भी करा लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर हम इनको पब्लिक में जाने के लिए, क्योंकि ये पाया गया है कि 70 से 80% लोगों में सिम्टम नहीं नज़र आते लेकिन कोरोना पॉजिटिव होते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर किसी प्रकार के सूखी खांसी या जो भी इसके लक्षण है ये नज़र आए, और लेकिन वो कैरियर के तौर पे आगे बढ़ा सकता है। बिहार में नालंदा के बिहार शरीफ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के मामले में नालंदा पुलिस ने दरभंगा के एसपी को चिट्ठी लिखकर 11 लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। नालंदा पुलिस ने चिट्ठी में जिन 11 नामों पर जानकारी मांगी वो सभी बिहार शरीफ के मरकज में शामिल हुए थे। नालंदा पुलिस ने सभी 11 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन में भेजने को कहा है। नालंदा में बिहार शरीफ की एक मस्जिद में तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन हुआ था। नालंदा के जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखकर तबलीगी मरकज के कार्यक्रम की सूचना दी है। चिट्ठी के मुताबिक 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का सम्मेलन हुआ था जिसमें 640 लोग शामिल हुए थे। मरकज में शामिल हुए नवादा के एक शख्स के संपर्क में आने वाले को कोरोना हुआ जिसके बाद पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, इस पूरे वाक्य में क्या मामला सामने आ रहा है और क्या ये चिट्ठी का जवाब कब तक देना है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और नालंदा के जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग वहां पर पहुंचे थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और सबको क्वारंटीन करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। साफ तौर पर अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि 640 लोग यहां पर 14 और 15 मार्च को पहुंचे थे, जिसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं और उनका कोरोना जांच भी करा लिया गया है जो नेगेटिव पाया गया है। लेकिन नवादा का एक आदमी रहने वाला है जो यहाँ पर पहुंचा था और उसके संपर्क में एक दूसरा आदमी आया था, उसका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और अभी नालंदा प्रशासन ने एक चिट्ठी लिखा है दरभंगा एसपी को जिसमें यह कहा गया है कि 11 लोग वहां के अब तक पाए गए हैं जो बिहार शरीफ में पहुंचे थे यहाँ मरकज में, और उनको तुरंत वहां पर आइडेंटिफाई करके और फिर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए। तो इसी तरह से धीरे धीरे अब जितने भी लोग वहां पहुंचे थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सबको क्वारंटीन करने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
आप चंद्रमोहन रहिएगा हमारे साथ और इस पूरी घटना की जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी चैनल की तरफ। सरकार ने लाया था स्पेशल कैबिनेट बैठाकर, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल होगा। तो अब ऐसे उपद्रवियों को सावधान रहना होगा अमित, जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए और इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जो नुकसान होगा उनकी संपत्ति को बेचकर सरकार कुर करके कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मियों या पुलिस टीम पर हमला करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एनएसए और एनडीआरएफ एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही साथ जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई भी उसी से की जाए। इससे पहले भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ किसी प्रकार का कोई गलत बर्ताव बर्दाश्त किया जाएगा। बड़ी खबर दिल्ली से है, पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित हुआ है, डिलीवरी बॉय का कोरोना वायरस टेस्ट। तो कुल मिलाकर जो जानकारी है कि मुरादाबाद में जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां उन पर हमला हुआ, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ जो है वो बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे उन पर कार्रवाई होगी और जो नुकसान संपत्ति को पहुंच रहा है उसकी भरपाई भी दरअसल अब वही लोग करेंगे जिस तरीके का हंगामा कर रहे हैं। उधर यूपी के चित्रकूट में घर पर फोटोकॉपी और मोहल्ले के बच्चों के बाल काटकर रोजी रोटी कमा रहे एक दिव्यांग की मुश्किलें लॉकडाउन की वजह से बढ़ गई। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए दिव्यांग के पास राशन कार्ड नहीं होने की वजह से वो खाने को मोहताज हो गया। दिव्यांग का आरोप है कि उसने ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों तक राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। प्रधानमंत्री की जो ये योजना चल रही है इसमें हमें जो खाद्यान्न आपूर्ति मिल रहा है, हमारे पास ना राशन कार्ड है ना, मतलब इसका कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है, ना हमारे पास राशन कार्ड है। हम अपनी आजीविका कैसे चलाएं, हम अपना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम घर में बैठे रहते हैं, कोई धंधा मिल नहीं रहा है। अपनी थोड़ा बहुत ये फोटो कॉपी करके या रोजगार मतलब बाल बाल काट के जो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और मैं अपने हमारे परिवार में राशन तो बनी है लेकिन उसमें हमारा नाम भी नहीं चढ़ा है और हम अकेले हैं। लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यूपी और बिहार के कई लोग फंस गए। ये लोग हैदराबाद के कुछ इलाकों में आसपास ही रहते हैं और कुछ दिनों से राशन की कमी से जूझ रहे हैं। इन लोगों ने अपने राज्यों की सरकारों से घर वापसी का इंतजाम करने की अपील की। इन लोगों का आरोप है कि सरकार के दावों के बावजूद न इनको राशन मिल रहा है और न ही कहीं से कोई आमदनी हो रही है। अपनी राज्य सरकारों को संदेश देने के लिए एक ही कमरे में बैठे इन लोगों ने जब अपील जारी की तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग हैदराबाद टोली चौकी सलारगंज कॉलोनी में रहते हैं। हम लोगों को अभी तक 22 तारीख को जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है अभी तक हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों के पास जितना भी पैसा था हम लोग खा लिए सर, अभी पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोगों को खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कृपया करके आप कोई मदद भेजिए, राशन का भी कुछ व्यवस्था कीजिए सर, हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ रहे हैं सर। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोगों ने लाइन लगाया, धूप में खड़े रहे 3 घंटे तक, लेकिन फिर बाद में 3 घंटे के बाद ये नतीजा निकलता है कि डीलर कहता है कि हमारे पास गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तुम लोग वापस चले जाओ। लॉकडाउन की वजह से केरल में फंसे 268 ब्रिटिश नागरिक वापस अपने देश के लिए रवाना हो गए। ये लोग लॉकडाउन शुरू होने की वजह से केरल में फंस गए थे और अपने ब्रिटिश अधिकारियों से वापसी का इंतजाम करने की अपील कर रहे थे। पहले तो इन ब्रिटिश नागरिकों ने लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया लेकिन जब लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू हो गया तो इन्हें लेने के लिए ब्रिटिश एयरवेज का विशेष विमान भेजा गया। पहले एयरपोर्ट पर इन सभी 268 ब्रिटिश नागरिकों का मेडिकल चेकअप हुआ और फिर ये लोग कोच्चि और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से वापस ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। बिहार के मुंगेर में कोरोना से लोगों को बचाने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस की टीम पर लोगों ने फूल बरसाए। मुंगेर में 4 इलाके हॉटस्पॉट हैं जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी निभा रही है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की पहल पर इलाके में कम्युनिटी किचन बनाए जाने और रोजाना 300 लोगों का खाना बनाया जा रहा है।
हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं इतने टफ टाइम्स में, और हमारे से काफ़ी सामाजिक लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लाल दरवाज़ा TOP पे करीब 300 परिवार यहाँ पे रहता है, और अभी काम वाम नहीं मिल रहा है, तो आज से यहाँ पर 300 लोगों को जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनको भोजन कराया जाएगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया, स्टार्स का स्कूल घर में रहे कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपर स्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। खुश रहना इस वक्त में बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर भी रहे हैं और आगे कर भी सकते हैं। आप ये सोचिए कि ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा जब आप अपने परिवार वालों के साथ इतना वक्त बिता पाएं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और ये वक्त है जब हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि ये लड़ाई हम घर बैठ के लड़ सकते हैं, और उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो बाहर हमारे लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, शॉपकीपर्स और वहाँ के एम्प्लॉयज, और हमारे पुलिसमैन। तो मस्त रहो, मलंग रहो, घर में अपने परिवार के संग। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। प्राण कण काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सके। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहे। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियाँ ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए।
इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। मैं आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगी? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियाँ ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। मैं आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सकते? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगी? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो
कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर भाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉकडाउन को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार मानने से राहुल गांधी का इनकार। कहा सबसे ज्यादा जरूरी है तेजी से रैंडम जांच और गरीबों की मदद। पिज्जा की डिलीवरी करने वाले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर और हौसखास इलाके के 72 परिवारों समेत पिज्जा की डिलीवरी करने वाले 17 लोग भी क्वारंटीन। मुरादाबाद में जांच करने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले के मामले में सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। कहा एनएसए और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, नुकसान की करेंगे भरपाई। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हुई। पिछले 24 घंटों में 941 मरीज बढ़े जबकि 37 लोगों की मौत। अब तक कुल 414 लोगों की गई जान। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों पर बरसे सलमान खान। कहा कुछ जोकरों की वजह से देश में बढ़ी बीमारी। नर्सों और डॉक्टरों पर हमला करने वाले मौत की ओर भाग रहे हैं। जहां देश पर छाया है कोरोना का भयानक संकट वहीं कुछ लोग हमारी मदद के लिए दिखा रहे हैं असाधारण साहस। जुड़िए हमसे जब हम देश के सबसे होनहार कलाकारों के साथ करेंगे इन नायकों को सलाम। कोरोना हीरोज को सलाम 19 अप्रैल 4 बजे से शाम 6 बजे तक। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर भाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सकते? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई
बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला, ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस, मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सकते? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगी? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला, ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर। यूपी के हाथरस में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती दिखा रही है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने वाले लोगों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई, साथ ही साथ पुलिस ने लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी। दक्षिण दिल्ली में एक पिज्जा की डिलीवरी करने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर और हौसखास इलाके के 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके साथ ही इन 72 परिवारों के आसपास के 170 मकानों की भी पहचान की गई, जिनमें रहने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। पिज्जा की डिलीवरी करने वाले 17 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। और यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इलाके में सभी लोगों की जांच का भरोसा भी दिया है। एक लड़का साउथ दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है, उसने जिन लोगों को डिलीवरी की थी, 72 ऐसे लोग मिले जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ में 17 उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया, गवर्नमेंट क्वारंटाइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। उन 17 लोगों को हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है। देखिएगा, अभी पहला केस इस तरह डिलीवरी बॉय का कोई सामने आया है कि किसी भी डिलीवरी वाले का जो केस है
मुझे लगता है हम एक सघन ये करेंगे, जैसे ही हमारे पास किट्स आती हैं तो हम जितने भी ओपन जो सर्विसेज ओपन है ना उन सबको भी टेस्ट करेंगे तुरंत, जितनी भी सर्विसेज ओपन है, जैसे आप किराना की दुकान है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अब इस तरह के मान लो कुल मिला के दिल्ली में अगर 20,000 लोग हैं सब मिलाकर, 25,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, उन सबको रैपिड किट से ही हम टेस्ट कर पाएंगे, नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे होना मुश्किल है। जैसे रैपिड किट आएगी हम इन सबको भी स्कैन कर लेंगे ताकि हम एक बार आश्वस्त हो जाएं कि उसमें से कोई पॉजिटिव तो नहीं है, अगर कोई भी पॉजिटिव मिलेगा तो उसको हम आइसोलेट करेंगे। रिकॉर्ड्स इनका बड़ा अच्छा था तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज में ये किन किन जगहों पे किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है, तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया, उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए, उनके घर के बाहर लेवल भी लगा दिया। तो वी आर वॉचिंग एंड वी आर फर्दर ऑब्जर्विंग कि कैसे इनको अगर कुछ और इसमें हमें अपडेट मिलती है हमारे पास हो तो और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। इत्र बनाने के लिए मशहूर यूपी के कन्नौज में वैज्ञानिकों ने बहुत कम कीमत में सैनिटाइजर बनाने में कामयाबी हासिल की है। कन्नौज के सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र यानी FFDC में लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद ऐसा सैनिटाइजर बनाया है जो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों के मुताबिक है। दावा किया गया कि वैज्ञानिकों ने 8 दिनों में ही बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर बनाकर प्रशासन को सौंप दी, जिसमें प्रशासन उसे कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सके। हम सब ने मिलकर यह तय किया कि चूंकि ये देश सेवा का विषय है तो हम ऐसा सैनिटाइजर बनाएंगे जो सस्ता होगा, वाकई में देश सेवा के लिए बनेगा। और हमने जो सैनिटाइजर बनाया वो मात्र इस वक्त की परिस्थितियों में 160 रुपए लीटर है, 29 रुपए का 200 मिलीलीटर। लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक से अयोध्या में दर्शन करने पहुंचा 14 तीर्थ यात्रियों का एक दल फंस गया, लेकिन 21 दिन से जारी लॉकडाउन की वजह से ये लोग वापस नहीं जा पाए और इनका सारा पैसा खत्म हो गया। और जब किराया ना देने की वजह से होटल मालिक ने इन्हें निकाल दिया तो ये लोग सरयू किनारे राम की पैड़ी पर रहने को मजबूर हो गए। और इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता इन्हें एक आश्रम में ले गया जहां के महंत ने इनके रहने और खाने का इंतजाम किया है। हम बेंगलुरु से 14 आदमी हैं, काशी को घूमने लिए आए हैं। हमको इधर अयोध्या देख कर जाएंगे करके आए, हमको यहाँ लॉकडाउन हो गया है, जाने लिए नहीं होगा। ये महाराज जी ने जगह देकर पूरे अच्छा देखते हैं, हमको देखभाल पूरा करेंगे। महाराज जी लोगों को शरण दीजिए तो हमने ऊपर पर रूम सब था खाली, उस पर कहा कि रहिए, रहने लगे। फिर बर्तन बासन दिया बनाने के लिए, राशन उशन भी दिया दुए को। इसके बाद जो है सो सरकार को जब सूचना मिली तब लोग देने लगे, उस रोज से पैकेट सरकारी भी आती है और प्राइवेट से भी कुछ लोग मदद करते हैं तो रह रहे हैं, लेकिन अभी लोग उब गए हैं, घर जाना चाहते हैं। बिहार के अरवल में जज और वकीलों ने जरूरतमंदों की मदद की। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जज और वकील ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और लोगों को खाने पीने की चीजें बांटी, लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि यहां पुलिस कर्मचारी मौजूद थे लेकिन वो भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पाए। जज और वकील जिन्होंने ये कोशिश की कि वो क्षेत्र जहां पर लोग घरों पर ही हैं, खाने को उन्हें नहीं मिल रहा, वहां जाएं और लोगों के बीच राशन बांटें, खाना बांटें, ये कदम तो उन्होंने उठाया, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं दिखी। भारी संख्या में लोग जुटे, बहुत लोगों के चेहरों पर आप देख पाएंगे तस्वीरों पर मास्क भी नहीं है और ये लोग वहां पर राशन को लेने के लिए पहुंचे थे। यूपी के बहराइच में लोगों ने पुलिस का स्वागत किया। लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों का फूल मालाओं से स्वागत कर हौसला अफजाई की। इस दौरान लोगों ने सभी पुलिस वालों की तारीफ की, सभी लोगों ने पुलिस वालों का आभार भी जताया। बहराइच की तस्वीरें जहां पर पुलिस वाले जब पहुंचे तो कुछ पुलिस वाले भावुक नजर आए, कुछ हैरान नजर आए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके से उनका स्वागत होगा। जब वो वहां पहुंचे तो लोगों ने फूल की माला पहनाकर इन पुलिस वालों का स्वागत किया, क्योंकि दिन रात
ये इनकी सेवा के लिए ही लगे हुए हैं अपने घर परिवार को भूलकर। तो ऐसे में एक आभार जताने का तरीका इलाके के लोगों ने खोजा। जम्मू कश्मीर के सांबा में लॉकडाउन में फंसे बाहरी मजदूरों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाया। सांबा के साहिब बंदगी संत आश्रम में रोजाना लगभग 7,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है और फिर उन्हें पैक करके जरूरतमंदों में बांटा जाता है। आश्रम से जुड़े लोग बाहरी मजदूरों और बस्तियों और आसपास के गांव तक खाने के ये पैकेट पहुंचाते हैं। आश्रम के प्रबंधकों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर वो रोज 1,00,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिन लोगों को राशन चाहिए उन्हें राशन दे रहे हैं और बाकियों को खाने का पैकेट मुहैया कराया जा रहा है। पहल इसलिए कि जब हमने न्यूज चैनलों पर देखा कि कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके पास संसाधन नहीं है, गैस की कमी आ रही है, झोपड़पट्टी में खासतौर पर जो गरीब तबका है उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमने ये भोजन, और ये पहला चांस नहीं है, हमने कई बार इस तरह प्रीपेड भोजन पब्लिक तक पहुँचाया है। करीब 7,000 लोगों का हम भोजन तैयार करते हैं और विविध जगहों पर बांटते हैं। यहीं नहीं होता है, और जगहों पर भी होता है, मिश्रीवाला में होता है, गलबटे में होता है, अन्य आश्रमों में भी हमारा भोजन तैयार हो रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को वहीं से हम भोजन देते हैं। बिहार के हाजीपुर में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टरों का दावा है कि मरीज 4 महीने से बीमार था और तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। मरीज को संदिग्ध मानकर उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और इसकी जांच के लिए उसका सैंपल भी भेजा गया। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं जिस मरीज की मौत हुई उसके परिवार के लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। एक्टर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कोरोना पर जागरूकता से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सलमान ने उन लोगों की क्लास लगाई जो लॉकडाउन का पालन ना करके डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, और साथ ही दिन रात लोगों की सेवा में लगे पुलिसकर्मी और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा भी किया। पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पर नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। लॉकडाउन की वजह से जब से देश भर में ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई है, तब से रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोग भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के माणिकपुर जंक्शन पर लगभग 250 लोग ठेला लगाकर रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन अब उनके पास राशन का कोई इंतजाम नहीं बचा है। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है और वहां काम करने वाले लोगों के लिए दिए गए राशन पर जिंदगी उनको गुजारनी पड़ रही है। 150 से 200 परिवार लगभग भुखमरी की कगार में है, पूरी तरह से उनका रोजी रोजगार बंद है और बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। और ये लॉकडाउन आगे 19 दिनों के लिए 3 मई तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, और उनके पास अपना जीवन यापन गुजारा करने के लिए वर्तमान में किसी भी तरह के संसाधन मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मंडला में किसान अपने खेत की सब्जी को जरूरतमंद को बांटने का काम कर रहा है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ये किसान कई टन सब्जी हजारों गरीबों को मुफ्त में बांट रहा है। आसपास के कई जिलों के समाजसेवी और इस किसान से सब्जी लेकर दूसरी जगहों पर भी जरूरतमंदों को बांटने का काम कर रहे हैं।
कोरोना महामारी आई है तब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 तारीख से लॉकडाउन लगा है, तब से मैं निःशुल्क सब्जियां गरीब बेसहारों में बांटने की का विचार था मेरा, और तब से मैं बांटना चालू किया था। मैं 24 मार्च से ही बांटना चालू कर दिया था, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उसके बाद मैंने कई राजनीतिक पार्टियां, एनजीओ, सेवा भारती व स्वयंसेवी संस्थाओं को कॉल किया, तो 26-27 तारीख से लगभग डेली 100 क्विंटल से ऊपर सब्जियाँ मैं बेसहारा गरीब जनता के अंदर बांट रहा हूँ। यूपी के एटा में कोरोना से जंग में कड़ी मेहनत में जुटे पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। इलाके के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुलिस कर्मचारियों पर फूल बरसाए, लोगों ने पुलिस कर्मचारियों को फल दिए। लोगों के मुताबिक ऐसे माहौल में पुलिस का जज्बा बढ़ाना जरूरी है, जिसकी जिम्मेदारी इलाके के लोगों ने उठाई है। तो ये इलाके के लोग जो ये समझ रहे हैं कि दरअसल ये पुलिस वाले उन्हीं के लिए दिन रात यहाँ ड्यूटी पर लगे हैं, लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, दिन दिन भर रात रात भर वो वैसे ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में इलाके के लोग ये भी कहते नजर आए कि पुलिस वालों का हौसला अफजाई करना बेहद जरूरी, और इसी के चलते फूल बरसाकर इनका स्वागत किया गया इलाके में, और इनको अपने तरीके से धन्यवाद भी इलाके के लोगों ने दिया। 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रही है, इसलिए कि इनको सुरक्षित रहें, इनके परिवार सुरक्षित रहें, इनके मोहल्ले सुरक्षित रहें। इस कड़ी में इनका सहयोग मिलना बहुत नितांत आवश्यक है। ये लोग चाहे पुष्प वर्षा करके हो या लॉकडाउन के नियमों का पालन करके हो, जैसे भी सहयोग कर सकते हैं पुलिस का सहयोग करें, हमारी इनसे यही गुजारिश है। गुजरात के वलसाड में कर्नाटक से आए दो लोग पिछले 20 दिन से कार में ही फंसे हुए हैं। ये लोग बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन पहले राजकोट गए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन शुरू होने की वजह से ये लोग गुजरात से वापस कर्नाटक नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये लोग 500 किलोमीटर कार चलाकर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन सीमाएं सील होने की वजह से ये 3 हफ्तों से कार में ही रह रहे हैं। इधर उधर से खाने को मिल जाता है, लेकिन दिन रात सोना जागना सब कुछ कार में ही हो रहा है। बिजनेस के वास्ते 1.5 महीने पहले राजकोट आया था। राजकोट में थोड़ा बिजनेस आई, सडनली लॉकडाउन का अनाउंस हुआ। लॉकडाउन इसीलिए हम तुरंत निकल के आ गए, करीब गुजरात से आ गए, राजकोट से निकल गया, करीब करीब 500 किलोमीटर आ गया। यूपी के आगरा में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर न सिर्फ पुलिस केस दर्ज कर रही है, बल्कि सबक सिखाने के लिए इस FIR की कॉपी आरोपियों के घर की दीवार पर चिपका रही है, ताकि परिवार और मोहल्ले वालों को भी पता चल जाए कि शख्स ने घर से बाहर निकलकर गलत किया। जो FIR कुछ लोगों के खिलाफ जो 188 में लिखी गई है कुछ मोहल्लों में, उन FIR को लोगों के घरों पर चस्पा किया जा रहा है। इसलिए चस्पा किया जा रहा है कि आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी दिखाई दे, उनको भी नगर देखें कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन जो है वो पुलिस टॉलरेट नहीं करेगी। ये लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जो तय किया है, बहुत ही सख्ती से पुलिस को इसका पालन करवाना है।